हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो HTML की है और HTML के अंदर हम लोग डिव टैग के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले HTML से स्टार्टिंग करता हूँ, फिर यहाँ पे हेड पोर्शन आएगा, फिर यहाँ पर टाइटल आएगा TITLE, और यहाँ पर यूज ऑफ डिव टैग दे देता हूँ मैं। डिव टैग ये हो गया, आप यहाँ पर टाइटल को क्लोज कर देंगे। हम तो ये TITLE टाइटल को क्लोज किया, फिर हेड को क्लोज किया, देन अब नीचे आते हैं। तो एंटर करके जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ बॉडी टैग को ओपन करना। अब यहाँ पर बॉडी पर कोई भी बैकग्राउंड नहीं लगा रहा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जनरली बॉडी पर अगर बैकग्राउंड लगाना हो तो बॉडी पे ही बैकग्राउंड लगा दिया जाता है। और यहाँ पर सीधा मैं लिखता हूँ H1। H1 यानी हेडिंग टैग 1 है, सबसे बड़ा टैग होता है हेडिंग वाला, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग 1, ठीक है, और ये लिख के इसे क्लोज कर देता हूँ, यानी H1 को क्लोज कर देता हूँ। और ये क्लोज करके फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लगाएंगे डिव स्टाइल। तो यहाँ पर डिव टैग लगा रहा हूँ और इज इक्वल टू यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड कलर। क्या दूंगा? बैकग्राउंड कलर। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं देने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर, और डॉमिनेटेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया बैकग्राउंड, और डैश लगा के कलर लिखिएगा, और कलर की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा यही रखनी है जो मैंने रखी है, ठीक है। और यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 8EBF42। तो ये हेक्साडेसिमल कोड है, ये कलर खुद प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और यहां पे लगा देता हूं पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ में क्या लिख देता हूं, हेलो वी आर गोइंग टू यूज डिव टैग, DIV टैग, TAG। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पे डिव टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। पैराग्राफ को तो क्लोज करिए ना करिए बात बराबर है। तो यहां पे डिव टैग को क्लोज करके यहां बॉडी टैग को क्लोज करिए इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं, और फिर एंटर करिए, और यहां HTML को भी कर दीजिए क्लोज, ठीक है। .html लगा के सेव करना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे जाइए और इसे .html एक्सटेंशन के साथ सेव कीजिए। तो जिस भी नाम से सेव कीजिएगा .html लगा के करिएगा, ठीक है। मैंने इसे डेस्कटॉप पे किया ऐसे, तो अब हम चलेंगे डेस्कटॉप पर और देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डेस्कटॉप पर ये हमारा प्रोग्राम है, ये ऊपर देख सकते हैं fortmg.html नाम से सेव किया था। इस पर डबल क्लिक करेंगे ये ओपन होगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड किस कलर का ये प्रिंट हुआ है, देख सकते हैं कि नहीं, ये बैकग्राउंड आ रहा है ना ग्रीन कलर का। तो ये हेक्साडेसिमल कोड की मदद से मैंने किया, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं दो बार डिव लगा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो एक ही बार डिव लगाया और इसमें ये पैराग्राफ लिख दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दो बार डिव लगाता हूं, देखिए डिव स्टाइल एक बार लिखा है, अब यहां से इसको कॉपी करता हूं और कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा इसी को, और यहां पर चेंज करूंगा। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ रेड, तो ये बैकग्राउंड रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको चलाएंगे यहाँ से, तो अब देखेंगे कि यहाँ पे रेड कलर का बैकग्राउंड प्रोड्यूस हो गया, अपने आप आ गया है, ठीक है। तो एक तो हेक्साडेसिमल कोड से मैंने कर दिया और दूसरा इस तरीके से कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोनों ही चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।